हेलो प्रियान एंड वेलकम टू केम एफिनिटी। इस वीडियो में हम जानेंगे जैम 2022 का काउंसलिंग में और सीसीएमएन का काउंसलिंग में तुम्हारा जो कैटेगरी है वो चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो इसके बारे में, और अगर चेंज कर सकते हो तो कैसे चेंज करना है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर तुम ये चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखो, हम जैम 2022 और सीसीएमएन के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, ठीक है? और तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इससे हमारा मनोबल वो गिर रहा है, ठीक है? तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इससे हमारा मोटिवेशन मिलेगा और इससे हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाएंगे। अगर मैं जैम 2022 का इंफॉर्मेशन ब्राउजर में आऊँ तो यहाँ पर नीचे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है? देखो, पेज नंबर 3 है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एज करके, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी इफ एनी विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन शुड रीच ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट बाय 4 मई 2022, ठीक है? रिक्वेस्ट रिसीव्ड आफ्टर दिस डेट विल नॉट एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो देखो, अगर तुम्हारा कैटेगरी चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट करना होगा जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है इस बार आईटी रूल की, क्या 4 मई 2020 के अंदर, ठीक है? तो कैसे करना है, देखो ये डेट मई 4 है, ठीक है? अगर मैं आईटी का काउंसलिंग देखूं, देखो यहाँ पर एक डेट दिया हुआ है, देखो यहाँ पर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन ऑफ द आईटी जैम 2020, देखो अप्रैल 11 से अप्रैल 25 तक, तो मैं उसके बाद आ रहा है, ठीक है? तो जो आईटी में मतलब एडमिशन के लिए चेंज करना चाहते हो, जो तुम्हारा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा वहां पर ऑप्शन ही मिलेगा तुमको। पिछले साल क्या हुआ था, ऐसे ही प्रॉब्लम बहुत सारा स्टूडेंट को हो रहा था, तो उन लोगों ने जब काउंसलिंग कराया था तब सीसीएमएन और आईटी जेम्स बोथ, ठीक है, वो जब एप्लीकेशन प्रोसेस था वहां पर ही वो मेंशन कर दिया था कि तुम्हारा कैटेगरी चेंज कर सकते हो। वहां पर ऑप्शन दे दिया था तुम्हारा कैटेगरी और तुम सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे एप्लीकेशन के दौरान होता था वैसे ही तुम्हारा कैटेगरी चूज कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो इस बार शायद ऐसे ही होगा, जो आईटी स्टूडेंट है उसके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अप्रैल 11 से 25, लेकिन जो लोग सीसीएमएन में मतलब जो एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि जो सीसीएमएन का काउंसलिंग वो आईटी के काउंसलिंग के बाद ही होता है, ठीक है? जनरली उसका फोर्थ राउंड काउंसलिंग हो जाता है उसके बाद ही, ठीक है? तो उस टाइम तो मैं पार कर जाएगा, ठीक है? तो इसलिए दिक्कत हो सकता है। तो जो आईआईटी के लिए जा रहे हैं, जो एनआईटी के लिए जा रहे हैं, दोनों के लिए इतना दिन तक वेट करने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है? क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो रिस्क क्यों लेना है, पहले अगर हम इन्फॉर्म कर दे किसी को तो हमारे पास प्रूफ रहेगा कि हाँ मैं यहाँ पर किया था कोई एप्लीकेशन और तुमने रिप्लाई नहीं दिया, तब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहले कुछ करूंगा नहीं, उसके बाद बोलने का कोई हक नहीं है, ठीक है? तो दोनों मतलब जो आईआईटी के काउंसिलिंग में बैठना चाहते हो वो कैटेगरी चेंज कर रहना चाहते हो, जो एनआईटी के मतलब सीसीएमएन में बैठना चाहते हो वो भी कैटेगरी चेंज करना चाहते हो, दोनों के लिए एक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, देखो देखो ये है जैम 2022 का ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी रुड़की का कांटेक्ट करने का तरीका। देखो ये है मेल आईडी, ठीक है? ये मेल आईडी पे तुम पहले लिखो, तुम्हारा डिटेल्स में लिखो, उसके बाद अगर तुम जनरल से ईडब्ल्यूएस करना चाहते हो तो ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो मेल पे अटैच करो। अगर तुम जनरल से एससी करना चाहते हो और एससी से जनरल करना चाहते हो तो ये पहले उसको मतलब मेल करो। अगर तुम किसी से जनरल से किसी भी कैटेगरी में जाने चाहते हो तो जो तुम्हारा प्रूफ है वो अटैच करो,
अटैच करने के बाद मेल कर, ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा। अगर कुछ रिप्लाई नहीं आया देन उसके बाद इस नंबर पर कॉल करना है, ठीक है। तो वहां पर जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर है वहां पर लिखा है रिक्वेस्ट करने के, तो हम मेल से एक रिक्वेस्ट कर देंगे, तो इसका प्रूफ रहेगा हमारे पास। तो मतलब जो सामने फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत हो तो उस टाइम हम बोल पाएंगे कि हम किया थे। मेरा मानना है कि रिप्लाई आ जाएगा। पिछले साल भी ऐसे हो रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट मिल गया था, देन उसके बाद वो बोला कि जब काउंसिलिंग होगा तब भी तुम्हारा कैटेगरी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस साल भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर भी तुम एक बार मेल कर दो, मेल करने के बाद क्या रिप्लाई आया, अगर रिप्लाई आया तो कमेंट बॉक्स से जरूर बताना कि रिप्लाई आया। अगर रिप्लाई नहीं आया देन इस नंबर पर कॉल करके पूछ लो, ठीक है, क्या बताया है, तरह है क्या, प्रोसीड्योर है चेंज करने का, ठीक है, यही है। तो यही था हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।